अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको मूंग की दाल की खिचड़ी बनाना सिखाएंगे जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत मुफीद होती है। ये मैदे के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आपको बच्चों को या बड़ों को मोशन लगे हों तो उसमें भी बहुत फ़ायदा देती है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी आप खिचड़ी बनाएं, ये बहुत चटपट बन जाती है। ये मैंने लिए हैं, 1 किलो मैंने चावल लिए हैं, आधा पाव मैंने मूंग की दाल ली है। मूंग की दाल को मैंने धो के तो इसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और ये मैंने चावल है, चावल भी मैंने धो साफ करके तो इनको वॉश किया है और भिगो दी आधे घंटे के लिए रख दिया था। और ये मैंने लिया है 1 प्याज, तो इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। और 1 कप लिया है मैंने ऑयल का। तो व्यूवर्स, हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। बनाने से पहले मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़ व्यूवर्स, ये आपकी मोहब्बत होती है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चूल्हा ऑन किया है, इसके ऊपर मैंने ये कुकर में मैं पकाऊंगी। ये बहुत जल्द बन जाती है और ये इसको हमने नरम रखना है, हमने सख्त नहीं रखना, चावलों को बिल्कुल नरम रखना है। बच्चे और बड़े बड़े शौक से खाते हैं। देखिए मैंने प्याज डाल दिया इसमें। प्याज को मैं लाइट नरम करूंगी। देखें व्यूअर्स, ये मैंने ये ब्राउन हो रहे हैं प्याज, इनको आपने ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, चम्मच हिलाते रहना है ताकि जले नहीं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। हल्का सा इसको हिलाऊंगी, प्याजों को भूनूंगी। मैं 1 चम्मच नमक डालूंगी। ये ज़ीरा है, ये ज़ीरा सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये हाजमा होता है, मैदे को ठीक करता है, इसलिए सिर्फ हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। इसको हल्का सा भूनें, इसको ज़्यादा नहीं भूनना आपने। इसमें मैं आप पानी डालूंगी, 4 गिलास पानी डालूंगी। मैंने 4 गिलास पानी लिया है। अब मैं इसको ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये पानी बॉयल होना शुरू हो जाए। व्यूअर्स, ये देखें 10 मिनट बाद ये देखें पानी उबल रहा है। अब मैं इसे चावल डालूंगी। ये मैंने दाल, मूंग की दाल है, छिलकों वाली है ये। अब मैं इसमें डालूंगी मूंग की दाल। अब मैं चावल डालूंगी इसमें। अब मैं चावल डालूंगी, देखें। साथ हमें हाथ भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको मैं मिक्स करूंगी। अगर आप थोड़ी चटपटी करने चाहें तो ये सब्ज़ मिर्चे हैं, इसको मैंने काट लगा लिया है, उसमें मैं डाल दूंगी। इतनी सी काली मिर्ची भी डाल दूंगी, काली मिर्च का पाउडर। अब मैं फिर इसको मिक्स करूंगी।
अब व्यूअर्स, अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। चूल्हे को हम आस्ता कर देंगे, थोड़ा लो कर देंगे, मीडियम कर देंगे हम चूल्हे को, मीडियम आंच पे रखेंगे। और हम इसको अब बंद करके इसको हम थोड़ा सेट कर देंगे ऊपर, और हम इसको 5 मिनट के लिए ऊपर रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए, दाल भी गल जाए, चावल भी गल जाए, क्योंकि हमने नरम खिचड़ी बनानी है बच्चों के लिए, जो बच्चे और बूढ़े दोनों पसंद करते हैं। मूंग की दाल के बहुत फायदे हैं, तो प्लीज़ इनको इसको 5 मिनट के लिए बंद करके रखें। तो हम 10 मिनट के बाद देखेंगे, फिर खोलेंगे, ये पक के तैयार हो जाएगी। व्यूअर्स ये देखें, ये चूल्हा अब बंद कर दें, हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है। अब मैं इसको खोलूंगी। माशाल्लाह ये देखें, खिचड़ी तैयार हो गई है, मूंग की दाल की खिचड़ी, ये देखें। व्यूअर्स इसके बहुत से फायदे हैं मूंग की दाल के, बच्चों को खिलाएं, बीपी के मरीजों को बगैर नमक के बना के दें। मैदा खराब होगा जिसका, उसको भी बना के दें। ये मूंग की दाल के बहुत से फायदे हैं। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये नरम, बिल्कुल नरम होनी चाहिए खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी नरम होती है। माशाल्लाह ये देखें, इतनी अच्छी खिचड़ी तैयार हुई है। प्लीज आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज व्यूअर्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये देखें, ये हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है। थैंक यू व्यूअर्स।